नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमको बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट बताता है। अ कार इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 600 मीटर सच दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन आर इक्वल। ओके, अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है तो, और सर्कुलर मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म, कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन भी होगा। मतलब यहाँ पर AT उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है और AC सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है। द टाइम टेकन बाय द कार टू कंप्लीट द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ रिवॉल्यूशन, मतलब एंगल क्वार्टर बोले तो बाई 4, तो वो यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री कवर कर लेता है। ओके, और उसका टाइम जो है, अगर वो इनिशियल 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्टार्ट करता है तो T (1-e^-π/2) में वो कंप्लीट कर लेता है क्वार्टर सर्कल। हमको फाइंड करना है T का वैल्यू। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, दैट इज गिवन एज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को हम डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लिखेंगे और वो होगा V(dv/dx) ओके, विच इज इक्वल टू V²/R। ओके, तो यहाँ पर एक V हम कैंसिल कर सकते हैं, वेरिएबल सेपरेशन करके इंटीग्रेट करते हैं, dv/v इज इक्वल टू 1/r(dx), दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। जब हम v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी 15 किलोमीटर पर आर में गिवन है, तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी v0 जो कि 54 किलोमीटर पर आर, पर इसको जब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 15 मीटर पर सेकंड ये हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर 15 इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी वी, इनिशियल पोजीशन 0 से फाइनल पोजीशन एक्स तक हम इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 1/x या 1/v का इंटीग्रेशन ln v होगा, यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे 15 एंड v, और यहाँ पर 1/r(dx) का इंटीग्रेशन x होगा, लिमिट पुट करेंगे 0 to x। यहाँ पर अपर लिमिट पुट करेंगे तो हमको मिलेगा ln v, और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो -ln 15, जिसको हम v/15 लिख सकते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा x/r। ओके, तो अगर हम यहाँ से वेलोसिटी का वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा v = 15 e^(x/r). ओके, तो यहाँ पर हमको वेलोसिटी मिला इन टर्म्स ऑफ पोजीशन, अब हम पोजीशन फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं v को हम लिख सकते हैं dx/dt। यहाँ से थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट हमारा स्टार्ट हो रहा है, हम यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं। dv/dx इज इक्वल टू 15 e^(x/r) हमको मिला, फिर वेरिएबल सेपरेशन हो जाएगा तो dx/e^(x/r) इज इक्वल टू 15 dt। ओके, इंटीग्रेट करेंगे 0 से क्वार्टर सर्कल, जब क्वार्टर सर्कल चलता है तो कितना डिस्टेंस कवर करता है, वो डिस्टेंस कवर करेगा पूरे सर्कल में 2π r/4, क्वार्टर सर्कल में बाई 4, मतलब कि π r/2। ओके, तो हम इंटीग्रेट करेंगे π r/2 तक, इसको लिख सकते हैं e^(-x/r) इंटीग्रेशन 0 से π r/2 विथ रिस्पेक्ट टू x, विच इज इक्वल टू 15 t, क्योंकि हमको यहाँ पर भी इंटीग्रेट करना है 0 से t तक, तो dt का इंटीग्रेशन t हमारे पास में आएगा। e^(-x) का इंटीग्रेशन e^(-x/r) ही होगा, और -1/r से हम डिवाइड कर देंगे, विच इज इक्वल टू 15 t। लिमिट पुट करेंगे यहाँ पर 0 to π r/2। ओके,
हम यहाँ पर अपर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस आर ऊपर आ जाएगा, अपर लिमिट पुट करेंगे तो ई रेस टू पावर माइनस पाई आर बाई टू तो जब हम अपर लिमिट यहाँ पर पुट करेंगे जस्ट अ मिनट जब हम अपर लिमिट पुट करेंगे यहाँ पर हमारे पास में ये डिनोमिनेटर में माइनस वन बाई आर जो ऊपर जाके माइनस आर हो जाएगा, हम अपर लिमिट पुट करेंगे ई रेस्ट पावर माइनस पाई बाई टू बचेगा क्योंकि आर से आर कैंसिल हो जाएगा और ज़ीरो पुट करेंगे तो वन आ जाएगा 15 इंटू टी। तो यहाँ से हमको फाइनली टी कैलकुलेट करना है तो टी इज़ इक्वल टू आर का वैल्यू 600 डिवाइडेड बाई 15 इन द ब्रैकेट माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ई रेस्ट टू पावर माइनस पाई बाई टू हमको मिलेगा। तो इसको फोर टाइम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास में टी का वैल्यू यहाँ पर 4 आएगा। कितना आएगा? 4। टी का वैल्यू हमारे पास में 40 आएगा। ओके थैंक यू वेरी मच।